अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है अप्लाई टू सेल, इट मींस ये आपके अकाउंट पे गेटेड है, ठीक है। आप इसको ओपन करोगे, अप्लाई टू सेल पे क्लिक करोगे, रिक्वेस्ट अप्रूवल आपसे पूछ रहा है, रिक्वेस्ट अप्रूवल आप इसको क्लिक करोगे। अच्छा, अब ये जो है आपसे क्या पूछेगा, अभी आपसे पूछ रहा है कि आप कौन हो, रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर या दोनों हो, क्या हो। मैं कहता हूँ भाई मैं रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ठीक है, मैं एज अ रीसेलर ही हूँ ना, हम एज थर्ड पार्टी एज अ रीसेलर अमेजोन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने रीसेलर पे क्लिक किया, अब मुझसे ये पूछ रहा है सबमिट डॉक्यूमेंट, ये प्रोडक्ट गेटेड है मेरे अकाउंट पे, इसको मुझे सेल करना है तो मैं अप्रूवल किस तरह से ले सकता हूँ, ये वो वाला प्रोसेस है। अगर प्रोडक्ट को आपको गेटेड प्रोडक्ट को आपको अप्रूवल लेनी हो तो वो किस तरह ली जाती है वो बता रहा हूँ। एट लीस्ट वन परचेज इनवाइस फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, जो हम एफबी होलसेल में सीखते हैं कि हम जस्ट मैन्युफैक्चरर ब्रांड या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से ही माल लेते हैं जिनकी इनवाइस अमेजोन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, पहला ऑप्शन ये है कि डेटेड और आफ्टर August 3, 2023 विद इन 180 डेज, एक पिछले 180 दिन तक की पुरानी इनवाइस ये एक्सेप्ट करेगा आपकी, पिछले 6 महीने के अंदर जबकि भी होगी ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्लियर है। दूसरा ऑप्शन इंक्लूड्स योर नेम एंड एड्रेस मैचिंग द इंफॉर्मेशन इन योर सेलिंग अकाउंट, आप जाहिर सी बात है अगर ये दानियाल स्टोर का अकाउंट है, दानियाल LLC का अकाउंट है, तो दानियाल LLC के नाम से ही सप्लायर के पास भी अकाउंट खुला होगा, तो वो एड्रेस नाम वगैरह सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है उसैद ने जो है माल खरीदा और दानियाल LLC पे जो है हम इसको अनगेट करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मतलब इनवाइस अगर उसैद के नाम की बनी हुई है और जो है आप अनगेट करवा रहे हो अमेजोन पे दानियाल LLC पे, तो ये नहीं होगा, तो आपका ही नाम मैच होना चाहिए, आपका ही नाम और एड्रेस हो, आपकी ही डिटेल हो। इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैनुफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूटर, आपके अपना जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या मैनुफैक्चरर है उसकी इन्वाइस पर उसका लोगो, उसका नाम वाम कहीं मैंशन होना चाहिए, ठीक है। चौथा ऑप्शन शो द कम्बाइंड प्रोडक्ट परचेज ऑफ एट लीस्ट 10 यूनिट्स, भले कम्बाइंड प्रोडक्ट्स भी हैं उसमें, जैसी भी एक सिंगल प्रोडक्ट है या कम्बाइंड भी है उस इन्वाइस में, एटलीस्ट जिसकी आप बात कर रहे हो वो उस इन्वाइस में होने चाहिए, वो प्रोडक्ट उस इन्वाइस में होनी चाहिए, कम से कम 10 पीस की इन्वाइस हो। आप भले 50 पीस ले रहे हो या आप जो है जितने भी ले रहे हो, आपको उसको 10 पीस की इनवाइस देनी पड़ेगी, तो ये आपको गेटेड करा मतलब अनगेट कर देगा। ओमिट प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल, ओमिट प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो है अपनी परचेजिंग प्राइस उसमें से हाइड कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो, उस अगर आप चाहते हो कि मैं अमेजोन को नहीं बताना चाहता कि मैंने इतने की खरीदी है, तो आप उसको हाइड कर सकते हो। प्लीज़ नोट दैट वी मे वेरी योर सबमिटेड डॉक्यूमेंट बाय कॉन्टेक्टिंग प्रोडक्ट वेंडर्स यू आइडेंटिटी इन योर एप्लीकेशन, आपका जो भी वेंडर है हम उससे कॉन्टैक्ट करके कन्फर्म भी करेंगे कि क्या ये आपकी इन्वाइस है, या आपका ही कस्टमर है, या आपसे ही परचेजिंग की है इसने, या आपका ही इन्वाइस नंबर है, तो हम इससे इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी दो नंबरी काम नहीं करना, कोई अल्ट्रेशन नहीं करनी, अमेजोन इसको वेरीफाई भी करता है, ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन ये होगा अनगेट करवाने के लिए, एक ऑप्शन है कि जस्ट आप इसको इनवाइस दे दो और ये आपको कर देगा, मतलब अनगेट कर देगा। समटाइम्स दो ऑप्शंस भी आते हैं, दोनों ऑप्शंस मांगता है कि प्रोडक्ट की इनवाइस भी दो और साथ में उसकी तस्वीरें भी दो, प्रोडक्ट की पिक्चर्स आपको देनी है हर एक एंगल से। डॉक्यूमेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, कंटेंट द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, आपके मैन्युफैक्चरर ब्रांड का जो नाम हो वो प्रोडक्ट पे मेंशन होना चाहिए, जैसे कि लिखा हुआ इमेज और प्रोडक्ट लेबल फॉर पैकिंग और पैकिंग। अच्छा, इसके बाद है इंक्लूड प्रोडक्ट ट्रेडमार्क और मॉडल नंबर, ये सारी चीज़ें उस पर मैंशन हो, जाहिर सी बात है कोई भी प्रोडक्ट होगी उस पर सारी चीज़ें मैंशन होंगी। द पिक्चर्स यू प्रोवाइड मस्ट बी फोटोग्राफ्स ऑफ द फिजिकल प्रोडक्ट रेदर देन कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस, आपको कंप्यूटर के किसी भी वेबसाइट से या कहीं से ही जाके उठा के वो उसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहो कि मैं वेंडर की जो है ना वेबसाइट से या अमेजोन की वेबसाइट से वो प्रोडक्ट की तस्वीर उठा लेता हूँ उसको जमा करा दूंगा, ऐसा नहीं है, उसको फिजिकली तस्वीर चाहिए, ठीक है। द पिक्चर्स मस्ट शो ईच साइड ऑफ द प्रोडक्ट और इट्स पैकेजिंग, ऑल लेबल टैग्स इंक्लूडिंग द इंग्रेडिएंट्स लिस्ट इफ एप्लीकेबल मस्ट बी विजिबल, ईजी टू रीड एंड सिक्योर टू द प्रोडक्ट और इट्स पैकेजिंग,
प्रोडक्ट हर एक एंगल से साफ सुथरी आपको तस्वीर लेनी है प्रोडक्ट की, के पीछे कोशिश करें कि ब्लैंक बैकग्राउंड हो जहां आप तस्वीर ले रहे हैं प्रोडक्ट की। ऐसा ना हो कि आपने यहां बीच में एक प्रोडक्ट रखी, बीच में लोग बैठे हुए, तो वो उसको फोकस नहीं कर पाएगा, कैमरा जो है उस प्रोडक्ट को फोकस नहीं कर पाता। तो आप पीछे वाइट बैकग्राउंड, कोशिश करें वाइट बैकग्राउंड पर रखी हुई प्रोडक्ट है या टेबल पर रखी है, पीछे वाइट दीवार है, तो उस पर जब तस्वीरें खींचेंगे आपकी प्रोडक्ट जो है फोकस करेगी कैमरे को, तो उसमें जो है हर एक चीज़ विजिबल होगी, आपको चारों एंगल से तस्वीरें भेजनी। इवन के आपका बारकोड भी उसमें मेंशन हो रहा हो तस्वीर में, कुछ नंबर्स लिखे हुए होंगे, वो नंबर्स, वो इंग्रेडिएंट्स जो सारे लिखे हुए प्रोडक्ट्स के, वो भी इसमें मेंशन होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से गेटेड प्रोडक्ट होगी, तो आपको ये सारी चीज़ें देनी है, उसको आप डायरेक्ट से सबमिट कर दोगे। क्लियर है? अनगेटेड प्रोडक्ट थी हमने डायरेक्ट लिस्ट कर दी, गेटेड प्रोडक्ट थी हम इस तरह से इसको अप्रूवल ले सकते हैं।